हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इनफ फॉर ओम रेजिस्टेंस, कि हर सेकेंड में ये कितनी 100 जूल हीट निकल रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, तो ये पूछेगी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द रजिस्टर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो किसका रिलेशन दिखाता है, हीट का किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस और टाइम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास हीट भी है, ठीक है, कितनी 100 जूल है, रेजिस्टेंस है कितना है 4 ओम है, टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछे, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी कैसे निकलेगा, वी हमारा कैसे निकलेगा, आर इधर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, आर मल्टीप्लाई एच, ठीक है, टी नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आर कितना दे रखा है 100 जूल मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी हीट दे रखी है 100 जूल, और आर कितना दे रखा है 4, और टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 400, यानी कि वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 400 के, तो वी स्क्वायर हमारा आ गया 400 के, तो स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा कितना आ जाएगा 400, और 400 किसका रूट होता है का, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, ए वायर ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो, तो एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और एक मटेरियल से मिलकर बनाया गया है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, इज कट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, इसको हमने क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है, तो कह रहे थे रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल टू, तो कह रहे जो रेजिस्टिविटी है क्या वो इक्वल, जो रेजिस्टिविटी है दोनों पार्ट की वो किसकी इक्वल होगी, डबल हो जाएगी वही रहेगी या क्या होगा, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, तो क्या आ जाएगा इसकी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर, तो रेजिस्टिविटी कह रही है किस ऑर्डर में रहती है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी इंसुलेटर्स की वो होती है हमारी 10 to 8 ohm। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, तो जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो हीट हो रहा है वो किससे मिलके बना है, तो हमारा किससे मिलके बना है, वो मिला है बन के बना है नाइक्रोम से। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस फिल होती है, आर्गन एंड नियन, हीलियम एंड आर्गन, आर्गन एंड नाइट्रोजन एंड हीलियम एंड नाइट्रोजन, तो इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है आपकी आर्गन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वी और आई के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसका नेचर कैसा होगा, नेचर का मतलब किस तरह से आपको दिखाई देगा, सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, तो क्या होता है इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आता है वी और आई का ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन, तो रेजिस्टिविटी मेटेलिक वायर की किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती, थिकनेस पे, शेप पे, किसी पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराते हैं किसी सब्सटेंस में किसी भी चीज में, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आएगा आपका सेकंड, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वी दे रखा है यानी कि वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, ठीक है, आई दे रखा है, आई कितना है 0.50 एम्पेयर, तो पावर पूछ रहे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई, वी कितना है 220 मल्टीप्लाई, ये कितना है 0.5,
तो ये आ जाएगा कितना यहाँ से आप, ठीक है 0.5 इससे आप जीरो हटाओगे यहाँ से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 5 है यहाँ पे, ठीक है 50 भी आप रखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है 50 रखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, क्योंकि 5 है तो कितना आएगा ये 5 है तो आपका, ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 110, ठीक है वॉट, तो ये आ जाएगा आपका 50 है यहाँ पर। सो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन सा मिलता है, अच्छा लगता है और बनाने का मन भी करता है वीडियो, ठीक है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।